नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। हम आपके लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, कैसे बनेंगे करोड़पति। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे 1 करोड़ रुपए अपने भविष्य की जरूरतों के लिए जोड़ सकते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि आप म्यूचुअल फंड से SIP के जरिए कैसे 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कैसे आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। रेकरिंग डिपॉजिट सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित निवेश का तरीका है। रेकरिंग डिपॉजिट के सहारे आप अपने भविष्य के लिए छोटी बचत से बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। आप RD का इस्तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं, मतलब आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहें और इसके मैच्योर होने पर आपके हाथ में बड़ी रकम होगी। रेकरिंग डिपॉजिट खाता आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक रेकरिंग डिपॉजिट की सुविधा देते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी रेकरिंग डिपॉजिट की सुविधा देता है। रेकरिंग डिपॉजिट का खाता आप 10 साल तक के लिए चला सकते हैं। इस खाते में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है, यानी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलेगा। हो सकता है रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज अलग अलग बैंकों का कम या ज्यादा हो। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट पर कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है। HDFC बैंक रेकरिंग डिपॉजिट पर 5.5% ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 6% ब्याज ऑफर कर रहा है। ऐसे ही ICICI बैंक 6.2% से 5.55% का ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 6.3% का ब्याज मिल रहा है। एक्सिस बैंक आम जनता के लिए 5.75% ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 6.5% का ब्याज मिल रहा है। वहीं SBI रेकरिंग डिपॉजिट पर आम जनता को 5.4%, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 6.2% का ब्याज दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक रेकरिंग डिपॉजिट पर 5.3% ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5.8% ब्याज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो रेकरिंग डिपॉजिट पर 5.8% ब्याज मिल रहा है। ये दरें पोस्ट ऑफिस में सभी के लिए लागू हैं। वहीं अगर बात यस बैंक की जाए तो RD पर सबसे ज्यादा ब्याज यस बैंक दे रहा है। आम नागरिकों के लिए यस बैंक 6.75% ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 7.5% का ब्याज दे रहा है। ये सभी दरें 10 साल के रेकरिंग डिपॉजिट पर लागू हैं। आज के समय में देखा जाए तो रेकरिंग डिपॉजिट पर अमूमन 6 से 6.5% के बीच ब्याज मिल रहा है। अगर सरकार बचत पर रेट्स कम कर देती है तो ये भविष्य में कम भी हो सकती है, लेकिन अगर वो बढ़ाती है तो भविष्य में ये बढ़ भी सकती है। रेकरिंग डिपॉजिट खाता 2 तरह का होता है, जिसमें पहला है रेगुलर रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपको तय अवधि के लिए तय रकम जमा करनी होती है। वहीं दूसरा है फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपका समय तो फिक्स होता है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार आप इसमें रकम को घटा या बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट खाता उन लोगों के लिए ठीक होता है जिनकी इनकम फिक्स नहीं होती। वो कमाई बढ़ने या घटने पर जमा होने वाली रकम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप रेकरिंग डिपॉजिट के फायदे भी जान लीजिए। ये निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम है। इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। छोटी छोटी बचत से बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य दर से ज्यादा ब्याज मिलता है। बच्चों के नाम से भी RD खाता खुलवाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कभी भी RD खाते से रकम को निकाला भी जा सकता है। RD खाते की एवज में आपको बैंक से लोन भी मिल जाता है। तो आपने RD खाते के फायदे के बारे में तो जान लिया। अब आपको समझाते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड की SIP में क्या अंतर होता है, क्योंकि आजकल के युवाओं में म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश का क्रेज ज्यादा है। रेकरिंग डिपॉजिट में कोई रिस्क नहीं होता, वहीं म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है। रेकरिंग डिपॉजिट में रिटर्न पहले से तय होता है, वहीं म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। रेकरिंग डिपॉजिट खाते पर आपको लोन मिल जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड SIP पर आपको कोई बैंक लोन नहीं देता है। तो आपको म्यूचुअल फंड्स SIP और रेकरिंग डिपॉजिट के बीच अंतर समझ आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप 25 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं तो आपको RD खाते में कितनी रकम हर महीने डालनी होगी। अगर आप हर महीने 15,000 रुपए RD खाते में डालते हैं तो आप 10 साल में 25 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। ये रकम हमने 5.75% के ब्याज पर निकाली है। ऐसे ही अगर आप अगले 10 साल में 50 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं
तो आपको हर महीने 31,000 रुपए की रकम आरडी खाते में जमा करानी होगी। और अगर आप 1 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको हर महीने 62,000 रुपए की रकम आरडी खाते में जमा करानी होगी। ऐसे आप 10 साल के भीतर ही करोड़पति बन जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि कैसे 10 साल में रेकरिंग डिपॉजिट खाते के जरिए आप अपने लक्ष्य के मुताबिक रकम जोड़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके मन में अगर निवेश को लेकर कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको निवेश से जुड़ी हर दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने बिस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।